अगर आपको या आपके घर में किसी भी मेंबर को थायराइड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। लेडीज में थायराइड की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों को इसका सलूशन ना पता होने के कारण ही ये प्रॉब्लम दिन व दिन बढ़ती जा रही है। इस बीमारी के कारण अस्थमा, डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि आपको इसके लिए किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और किन चीज़ों का नहीं। जिन लोगों को थायराइड है उन्हें कॉफ़ी का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन होता है जो सीधे थायराइड को नहीं बढ़ाता, लेकिन कैफीन को लेने से ये उन परेशानियों को बढ़ा देता है जो थायराइड की वजह से पैदा होती हैं। इसके अलावा मिर्च मसाले, चावल, मैदा, मलाई, अंडे का ज़्यादा प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। तले हुए पदार्थ, चीनी, चाय, शराब आदि का सेवन नहीं करना। जंक फूड, फास्ट फूड, ब्रोकली, फूलगोभी, बंद गोभी, मूली का सेवन तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। इन चीज़ों के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो थायराइड में फ़ायदेमंद हो सकती हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट का सेवन थायराइड पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दूध, दही, पनीर का प्रयोग जितना आप कर सकते हैं अधिक से अधिक कीजिए, और पानी जितना आप पी सकते हैं उतना पिए, ज़्यादा मात्रा में पानी आपको पीना है। नारियल का तेल और नारियल का पानी भी इसके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि थायराइड में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन का नहीं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।